प्रिज्म के न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल है, रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन, रूल नंबर वन। जब उसने बोला मिनिमम डेविएशन, यानी कि प्रिज्म का फॉर्मूला लग सकता है, वो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस है। वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, नोट लिखा मैंने इसमें स्पेशल, जब वो आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलता है, इसका मतलब वो आर वन और आर टू का सम देता है, टोटल देता है, जो कि कितना है 60, और R1 और R2 का सम क्या है A, तो A की वैल्यू कितनी है 60। पहला पॉइंट क्लियर है। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा निकालो एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I निकालो। आपको म्यू पता है, A पता है, तो आप प्रिज्म का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, म्यू पता है, A पता है, सिर्फ डेल्टा M नहीं पता। तो यहां से सिंप्लीफाई करें, ये साइन ऑफ 30 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन ऑफ इनवर्स ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें ऐसे अजीब से एंगल्स होते हैं, ठीक क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप बिना इस टेबल्स के या कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन को छोड़ें, ये सॉल्व करके 48 डिग्री, और यहाँ से डेल्टा एम कैन बी कैलकुलेटेड, एक आंसर। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताना है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 2 I1 + I2 - A, क्योंकि इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन में I1 और I2 का सम क्या हो जाएगा 2I, तो A इधर आ गया, तो I की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा M प्लस A बाई 2, डेल्टा M हमने निकाल लिया, A हमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया 48 डिग्री। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, वो कह रहा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सही कह रहे हैं, वो कह रहा है ये जो टर्म आई थी, आई तो होता है प्रिज्म फॉर्मूला से, आई तो होता है, तो आगे सॉल्व करने जो कहते हैं यही आई है, सही है, 48 आई है, स्टेप बच जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिज्म फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी टर्म साइन ऑफ आई होती है, तो हमने आई भी तो निकालना है, तो अगर हम ये टर्म निकाल दें तो आई आ गया, ये टर्म तो रास्ते में कहता कैलकुलेट की हुई है हमने, यही आया है, सही है, एक स्टेप बच गया ना हमारा। नेक्स्ट फाइंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर्स, तो रेड और वॉयलेट कलर की एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालनी है, प्रोड्यूस बाय फ्लिंट ग्लास एंड प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, कोई ग्लास का नाम है, उसका ग्लास का नाम फ्लिंट ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर्स दोनों के बने। आपको एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालना है बिटवीन टू कलर्स, देखो आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन में वॉयलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी गिवन है, तो
तो आपको डेविएशन का डिफरेंस निकालना है, और डेविएशन का डिफरेंस वही डिस्पर्शन का एंगल है। तो ए इंटू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर हमने कैलकुलेट किया था, ए हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, यहाँ से सॉल्व करके दोनों का डिफरेंस आ जाएगा एंगल। क्यों जरूरत नहीं है, डिग्री है तो डिग्री में चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली मैंने देखा नहीं है, प्रिज्म के एंगल डिग्री से डिग्री में चलते हैं, रेडियस में जरूरत नहीं है। ये देखो क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइन टू वन फेस ऑफ द प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो रे आती है और एक ग्लास प्रिज्म के साथ फेस के साथ, नॉर्मल के साथ नहीं, फेस के साथ 50 डिग्री एंगल बनाती है। तो फिर नॉर्मल का एंगल तो 90 है, तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 40 डिग्री आपको क्या बताना है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है एंड रेज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री, 42 डिग्री डेविएटेड का मतलब डेल्टा गिवन है, और ये मिनिमम डेविएशन नहीं गिवन, सिंपल तो प्रिज्म फॉर्मूला लगाना नहीं है, तो नॉर्मल डेल्टा गिवन है। एंगल बताओ जो एमर्जेंट रे बनाएगी विद सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म, तो इस फेस के साथ एमर्जेंट ने क्या एंगल बनाया। तो अगर मैं आपको ये एंगल बता दूँ एमर्जेंस का एंगल आई टू, तो आपके पास 90 में से आई टू माइनस करके आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म पता है और डेविएशन पता है और आई वन भी पता है, आई वन कितना है 40, तो डेल्टा क्या है आई वन प्लस आई टू माइनस ए, सॉल्व करके क्या आ गया आई टू, आई टू की वैल्यू कितनी आ गई 62, पर अपने को एंगल आई टू नहीं निकालना, अपने को तो ये निकालना है, तो 90 में से 62 माइनस करो क्या आएगा 28। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट Excuse me, sir, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है कि क्वेश्चन दिख रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। फिर से अब ठीक है, दिख रहा है अब? नहीं सर, एक वो जो पहले वाला क्वेश्चन था मूवी वाला वही दिख रहा है और आगे नहीं दिख रहा। नहीं चल रहा है मेरे इस पे ज़ूम पे, आप प्लीज अपना रीस्टार्ट करो। सरताज आपके इसमें आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। रीकनेक्ट करो प्लीज। ओके सर। ठीक है इसको देखें प्लीज।
देखो इसमें रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो ए की वैल्यू कितनी है 60, शोज मिनिमम डेविएशन, मिनिमम का मतलब यहां पर प्रिज्म फॉर्मूला एप्लीकेबल है डेल्टा एम, तो प्रिज्म फॉर्मूला लगेगा, तो डेविएशन कितनी है 30, डेल्टा एम 30। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, वी निकालना है, पहले म्यू निकलेगा, म्यू निकलेगा तो वी भी निकलेगा, तो म्यू कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता है इक्विलेटरल की वजह से 60, डेल्टा एम की वैल्यू पता है 30, सॉल्व करके म्यू आ गया। म्यू जो होता है वो होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो आपको म्यू पता है, सी पता है, और यहाँ से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये एनसीईआरटी में बहुत बार और हर जगह बहुत बार मिलेगा आपको देखने में, स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है बड़ी, चेक करो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है, एज शोन इन अ फिगर पी क्यू को किसी भी प्रिज्म के 90 डिग्री पे हिट करवा दिया, आपको क्वेश्चन में बस यही फिगर की बनोगी, तो हिट हो गया। अब वो कह रहा है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट रेज जो है वो आपको प्लॉट करनी है, क्रिटिकल एंगल वो कह रहा है कि 45 डिग्री है, तो ऑल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, म्यू भी निकालना है। तो अब मुझे नहीं पता ये रे देखो जब इसमें एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल के साथ ही एंटर कर रही है, तो ये सीधी आएगी या हिट करेगी। अब हिट करने पे दो केस हो सकते हैं, या तो ये इधर आ जाएगी बाहर एयर में, या ये बिल्कुल अंदर आ जाएगी, या ये सरफेस के साथ जाएगी, आपको ट्रेस करना है इसका पाथ क्या होगा और साथ में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है। अब रूल नंबर वन, जब आप इसे यहाँ हिट करवाएंगे स्केल के साथ आगे एक्सटेंड कर लें इसे, जब आप इसे यहाँ एक हिट करवाएंगे नॉर्मल ड्रॉ करें, ये 45 गिवन है, ये 90 है नॉर्मल है, तो बचा हुआ एंगल भी 45 है। अगर ये 45 है, टोटल 90 है, तो 45 में 90 में से 45 क्या क्या आया 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये कितने एंगल पर इंसिडेंट कर रही है लाइट नॉर्मल के साथ 45। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें रिफ्रैक्ट जो क्रिटिकल एंगल है वो भी कितना है 45, यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली क्रिटिकल के इक्वल है, तो ना ये रे अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, सरफेस के साथ जाएगी। हो गया, एक आंसर बन गया। फिर कह रहे हैं म्यू निकाल दो, अब टी आई आर का क्वेश्चन हो गया, म्यू क्या होता है 1 बाई साइन सी, सी आपको 45 डिग्री गिवन है, आंसर √2 ये आएगा, ये 45 है नॉर्मल के साथ 90 है, तो ये वाला भी 45 हो गया ना, ऊपर वाला ये गिवन होगा, गिवन करना है इसमें, गिवन होगा, गलती है इसमें, प्लीज ड्रॉ करें, ड्रॉ करेंगे गिवन होगा 45, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, एक एक मिसिंग वैल्यू है इसमें, गिवन होगा। ठीक है यहाँ तक? अब वो कुछ नहीं करेगा आपके न्यूमेरिकल में ना, ये वैल्यू चेंज कर देगा, चेंज करके वो चेक करवाएगा कि आप कैसे आंसर सोचते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है, कोई डाउट इसमें? इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये वाला, ये भी आ जाता होता है ये वाला, ये देखो,
क्या क्वेश्चन है? वन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री. रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री. और म्यू की वैल्यू गिवन है सिल्वर्ड. सिल्वर्ड का मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर. तो मिरर है. कह रहे एट वॉट एंगल मस्ट अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अनसिल्वर्ड फेस सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन इन टू द प्रिज्म एंड रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस इट रिट्रेसेस इन टू द प्रिज्म और वापस आ जाए. तो वो कह रहे हैं कि कितना एंगल आई रखें ताकि इधर जाए, रिफ्रैक्ट हो, रिफ्लेक्शन से होती हुई वापस आ जाए. देखो वापसी तभी एक एक ही केस में होती है जब मिरर के साथ एंगल क्या होता है 90. अगर आप 90 डिग्री पे हिट करें तो रे रिट्रेस करेगी अपना पाथ. तो ये 90 तो ये नॉर्मल ही हो गया. अगर ये नॉर्मल है तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो. यहाँ कोई एंगल बनेगा नहीं. यहाँ ही एंगल आई है, आई आपको निकालना है और आर अगर मैं आपको बता दूँ तो आई आ जाएगा. अब आपको ये पता है यहाँ का एक एंगल आर डैश जीरो और एक एंगल आर है और ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल. तो पहला रिजल्ट ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश. आर डैश तो है ही नहीं तो ए की वैल्यू कितनी है 30, तो आर की वैल्यू भी कितनी है 30. तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा. म्यू क्या है, साइन आई बाई साइन आर. तो यहाँ पे स्नेल लॉ लगा दो तो इसमें म्यू पता है, आर की वैल्यू 30 पता है. सॉल्व करके क्या आएगा, साइन आई से आई कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में मत जाना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ मेथड पे जाना. ठीक है, क्या मेथड लगेगा ये देखो, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आती. तो क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, A60 गिवन है और म्यू गिवन है इज इमर्स इन वाटर. तो इस बार प्रिज्म किस में पड़ा हुआ है, एयर में नहीं है, प्रिज्म किस में है, वाटर में. कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा निकालना है, मिनिमम डेविएशन बिल्कुल भी नहीं है और रे को कितने एंगल पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, 40 डिग्री पे करवा रहे हैं. तो देखो आपको क्या निकालना है, आपको डेविएशन निकालनी है. आप बस ये बताओ डेविएशन के लिए, डेविएशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. आई वन चाहिए, आई टू चाहिए और ए चाहिए. ए तो गिवन है 60, आई वन की वैल्यू गिवन है कितनी 40. आपको क्या चाहिए इसमें, आई टू. यहाँ आई टू की जगह मैंने थीटा लिखा हुआ, एक ही बात है. तो आई टू इज थीटा. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्नेल लॉ लगा लेते हैं. कैसे, यहाँ पे या पहले यहाँ लगा लेते हैं म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ 40, म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ R1. आपको इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यूज गिवन है, सॉल्व करके कैलकुलेशन में जाना नहीं है, R1 आ जाएगा, बात खत्म. ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी. स्नेल लॉ से इसका मतलब अगर आपको I1 पता है तो R1 आ जाएगा. फिर आपको R1 पता लग गया, R1 और R2 का सम क्या होता है, A. तो R1 और R2 का सम A है. R1 अगर पता लग गया, A आपको पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा. अगर R2 आ गया, स्नेल लॉ से आपके पास थीटा भी आ जाएगा. तो म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ R2 म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ थीटा आ गया. तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज पुट करके क्या आ गया, साइन थीटा से थीटा आ गया, थीटा आ गया. बाकी एंगल्स पता है तो यहाँ से डिविएशन आ गई. कैलकुलेशन मत जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स ऐसी नहीं आएगी. मेथड समझ में आ रहा है, प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, डेल्टा डिविएशन का नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा और बाकी इसमें स्नेल लॉ ही लगेंगे बस. अब ये क्वेश्चन ध्यान से अंडरलाइन कर लो, क्या लिखा हुआ है, थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म देखते ही एक ही फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है थिन प्रिज्म में. तो थिन प्रिज्म में क्या कह रहे हैं, अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री. रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है, ए. डेविएट्स एन इंसिडेंट रे थ्रू एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. डेविएशन गिवन है 1 डिग्री.
फाइंड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन नहीं है, म्यू आपको निकालना है, निकालना है क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। तो ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे थिन प्रिज्म का, डेल्टा गिवन है, ए गिवन है, म्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया, डन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, इसके बेस पे ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है, शो दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इज रिड्यूस टू 1/4 व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, शो दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म है, 1/4 हो जाएगी डेविएशन अगर उसको पानी में डाल दिया। पहले जब ग्लास थिन प्रिज्म का फॉर्मूला क्लियर डेविएशन का, जब आपका प्रिज्म एयर में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा, और आपको इस क्वेश्चन में ये डेल्टा वन आ गया। जब वो प्रिज्म वाटर में होगा तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर वाटर हो जाएगा। इसको ब्रेक करके लिखेंगे, ग्लास ऊपर वाटर नीचे, वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा वन डेल्टा टू को डिवाइड करेंगे तो जो नई डेविएशन है वो पुराने डेविएशन से 1/4 हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है थिन प्रिज्म में क्या करना है इसमें? ये वाला अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो ए की वैल्यू तो हो गई 60, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, तो I1 और I2 बराबर है, एंड इक्वल टू 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एमरजेंस बराबर है और 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि 60 है, तो I1 I2 आ गया, आपको म्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन में म्यू निकालना है और ठीक है म्यू निकालना है, तो अगर म्यू निकालना है तो एक काम करना पड़ेगा इसमें, तो मिनिमम डिविजन का केस गिवन है इसमें, क्या इसमें मिनिमम डिविजन गिवन है? गिवन है। कैसे? I1 क्योंकि I2 के इक्वल है,
तो दिस इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में डेल्टा का वैसे फॉर्मूला होता क्या था, आई वन आई टू माइनस ए, पर क्योंकि आई वन आई टू के बराबर है तो दिस इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन ये रही। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इसमें म्यू निकालना है। तो एक काम करें, यहाँ पर वैल्यू पुट करें आई और ए की, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एम आ जाएगा। फिर एक स्टेप लिखा नहीं हुआ, इसमें लिख लें, प्रिज्म फॉर्मूला इसमें यूज करें, ये आपका प्रिज्म का फॉर्मूला है, ये ले, इसमें वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालें। ठीक है यहाँ तक?